यहाँ पे देखिए वर्क हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हेयर लग रहा है और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से लग रहा है भाई। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कहीं पे पता चल रहा है कि हेयर पैच लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम नेचुरल लग रहा है। ये टॉपर है जो लड़कियाँ यूज करती है। आप हमारा पैच का कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत सारा पड़ा अंदर हुआ है। भी काफी कुछ है, तो आपको वेरियस रेंज यहाँ पे मिल जाएगा। और सर ये बताइए, अगर कोई द चैलेंज किंग को सब्सक्राइब करके आता है तो उसको आप क्या ऑफर देने वाले? 10% का फ्लैट डिस्काउंट उसको रहेगा। जी जी बिल्कुल। सो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं द ड्रीमर्स लुक हेयर फिक्सिंग स्टूडियो। दोस्तों अगर आप रांची झारखंड से हैं और अगर आप गंजेपन से परेशान हैं तो भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया हूं, जहां पे भाई हेयर पैचिंग होता है और इसके साथ साथ बहुत सारा काम आता है। तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई हेयर फिक्सिंग क्या प्राइस में होता है, उसका क्वालिटी क्या है, किस तरीके से होता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस बताना चाहता हूँ, इधर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इधर है न्यूक्लियस मॉल और इस साइड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इधर है लालपुर चौक, और लालपुर चौक से 200 किलोमीटर पीछे इधर है होटल सिटी पैलेस और उसी के बगल में एक गली जाता है। देखिए यहाँ पे मोदी इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है और यही वाला गली में आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाना। चलिए मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। जैसे ही आप आगे वाला बोर्ड से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगलम लिखा हुआ है और यही वाला बोर्ड जो लगा हुआ है ना, यही वाला गेट से आप लोगों को एंट्री करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे अंदर में बहुत सारा शॉप वगैरह है, ये मार्केट ही है एक समझिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बगल में एक बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में आप देख सकते हैं हेयर फिक्सिंग स्टूडियो है, तो आप लोगों को यहीं पे आना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर में और आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम लोग सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं और यहीं पे है द ड्रीमर लुक्स। तो चलिए आइए अंदर आते दिखाते हैं आप लोगों को। सो फाइनली फ्रेंड मैं आ चुका हूँ द ड्रीमर्स लुक के अंदर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास सर है। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, और आपके स्टूडियो के बारे में हम बहुत ज्यादा सुने हैं सर, वही मैं हमारे ऑडियंस को दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ सर। तो क्या क्या दिखाने वाले हैं और सारा कुछ रिवील करिए हमारे ऑडियंस के सामने। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को नमस्ते। हमारे पास हेयर पैचेज है जी, हेयर एक्सटेंशन है विमेन के लिए जी, और फुल वीग है कैंसर पेशेंट जो वीक रहते कीमो पे एलोपेसिया के उनके लिए। ये हेयर पैच आपके है जो हमारे पास 9000 का है, ठीक है। 8000 से अच्छा पैच स्टार्ट होता है, वैसे है तो 2000 का भी 6000 का भी, बट उतना अच्छा नहीं रहता है जी। 8000 या उससे ऊपर लेंगे तो अच्छा रहता है जी। ये एक फ्रंटलेस पैच है, यहाँ पे अगर कहीं किसी को बैक ब्रश करना है पैच बाल को जी, जी। तो यहाँ पे इसको कट करके निकाल देते हैं, थोड़ा कॉस्टली आता है बट अच्छा पैच है। ये एक पैच है, थोड़ा अलग पैच है जो आपको आपको जल्दी से दिल्ली मुंबई में मिलेगा, इधर मिलेगा नहीं। ये बेबी हेयर यहाँ डाला हुआ है पैच में जी, ये एकदम नेचुरल लुक देता है सामने से। बिल्कुल। इसके अलावा लड़कियों के लिए परमानेंट हेयर एक्सटेंशन है, टेम्पररी वाला क्लिप वाला हेयर एक्सटेंशन है जी। ये टॉपर है जो लड़कियां यूज करती हैं। आप हमारा पैच का कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत सारा पड़ा अंदर भी काफी कुछ है, तो आपको वेरियस रेंज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको अंदर अभी चल के अपना काम दिखाते हैं जी, आप देखिए। और सर उससे पहले आप ये बताइए कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा हेयर पैच है, तो इसका जो प्राइस जो है स्टार्टेड प्राइस कितना है सर? अभी 2000 से कहने के लिए स्टार्ट है बट अच्छा नहीं रहता है जी जी। 8000 या उसके ऊपर का पैच लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैच मिल जाएगा, नेचुरल लुक देगा। और प्राइस जो है हमारा वो अनबीटेबल है, इस प्राइस पे आपको कहीं पे भी दिल्ली मुंबई कोलकाता कहीं पे भी कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो हम यहाँ कर रहे हैं। और जो सर्विस है वो किस तरीके से होता है? सर्विस तीन तरीका होता है लगाने का, एक तो पेस्टिंग होता है जो हम आपको अंदर दिखा भी देंगे, एक क्लिप होता है और एक टेप होता है जी, तो क्लिप में आपको सर्विस के लिए बराबर आने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको घर पे निकाल सकते लगा सकते,
और जो पेस्टिंग वाला है उसमें आपको मंथ में एक बार सर्विस के लिए आना पड़ता है। मंथ में एक बार आना पड़ता है ना जी। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से पेस्टिंग होता है वो सारा कुछ मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि भाई हाँ किस तरीके से होता है और सर्विस कैसा है, और कस्टमर रिव्यू भी लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि सर्विस जो यहाँ से मिलता है उससे कस्टमर खुश है या फिर नहीं है। तो चलिए आइए अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई रिव्यू बहुत जरूरी है, और यहाँ पे देखिए एक कस्टमर आए हुए हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और कहाँ से आए हैं आप? मैं चैबासा का रहने वाला हूँ। जी जी, लाल हटिया से आए हुए। अभी मतलब हटिया में रहते हैं ना? हटिया में रहते हैं। तो आप ये बताइए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं, तो अभी क्या करवाने के लिए आए हैं? सर्विसिंग के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से सर्विसिंग होता है, और कस्टमर से हम लोग ये भी पूछने वाले हैं कि ये सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है, इनको कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं होता, वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ से पूछने वाले हैं। तो अभी आप देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए वर्क हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्लू के थ्रू चिपकाया जाएगा, तो यहाँ पे पहले ग्लू लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लू लगाया जा रहा है ताकि ये उखड़े ना। बाकी देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा फिट होता है, बाल सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, देखते जाइए आप। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ भाई ग्लू से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगाया जाता है स्काल प्रोटेक्टर, और जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये भैया का भी ग्लू लगाने से पहले स्काल प्रोटेक्टर लगाया गया था जो कि आप देख सकते हैं ये वाला है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी तकलीफ भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ग्लू को सुखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हेयर लग रहा है, और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से लग रहा है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फाइनली अभी तो बाल सेट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले भी इनका जो लुक है ना कितना यंगेस्ट लग रहा है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, पहले लग रहे थे उम्र दराज, लेकिन अब लग रहे हैं पूरा जवान, नौजवान लग रहे हैं भाई। अब देखिए हेयर को सेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आप कहीं से भी हैं रांची झारखंड से, एक बार विजिट करिए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया जाता है यहाँ पे। और भैया ये आपका लगाया हुआ कितना दिन हो गया? मेरा लगाया हुआ मेरा साल भर होने जा रहा है। मतलब एक साल से इस हेयर को यूज कर रहे हैं? नहीं अभी होने जाएगा, मतलब 3 महीने बचा। हाँ लगभग समझिए तो एक साल से आप इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इतना लॉन्ग टाइम एक हेयर पैच को यूज करना, ये एक हेयर को यूज करना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी इसका जो कंडीशन है ना खराब नहीं हुआ है, अभी भी इसका जो कंडीशन है बहुत बढ़िया देखने को लग रहा है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इसके दौरान आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आता है, जैसे कुछ दर्द उर्द या फिर जैसे कभी उखड़ के गिर गया, इस टाइप से कुछ होता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ अभी मेरे साथ जी। और ऐसा सोते हैं लगा के ही सो जाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लगा के ही सो जाते हैं ना? और नहाने टाइम क्या करते हैं? नहाने टाइम भी आराम से नहा लेते हैं, मतलब उसको खोलना भी नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है खोलना भी। सो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि भाई बहुत सारा ऐसा भी होता है कि नहाने टाइम उखड़ जाता है, या फिर आप गाड़ी जोर से चला रहे हैं तो उखड़ के गिर गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर हमारे सामने लाइव हैं जो कि खुद से बता रहे हैं, और ये एक साल से इस हेयर को यूज कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स रिव्यू देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये बताइए कि अभी तक आप अपने स्टूडियो के अंदर कितने लोगों का काम कर चुके हैं? यहाँ पे आपको बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि 2000 से ज़्यादा क्लाइंट हमारे जो हैं हेयर पैच लगा के गए हैं। कईयों की इनमें से शादी नहीं हो रही थी, जिनकी शादी हो गई है, कई सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे पास है, कई सारे लोग जो 63-64 ईयर्स के वो लगा के यंग दिखने लगे, तो कई लोग काफ़ी खुश हैं। मैंने खुशी से रोते हुए देखा यहाँ पे लोगों को हेयर पैच लगाने के बाद। तो सर अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से लगता है, और आपका कलेक्शन भी देख लिए, बहुत अच्छा लगा। और जब से मैं आया हूँ ना तब से मुझे लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके से होता होगा कैसे होता होगा, लेकिन हम अपनी आंखों से देखें तो हमको तो बिलीव हो गया कि हाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। और ये मैं नहीं कस्टमर भी बोले, वो भी सेटिस्फाइड है। लेकिन आप ये बताइए क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है ना उनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होगा शायद,
तो ये बताइए कि उनको यहाँ पे क्यों आना चाहिए, ऐसा क्या खास बात है इस स्टूडियो के अंदर? पहली बात तो ये कि काम हमारा बहुत अच्छा है जी, वो अभी मैं लाइव देखा हूं, काफी एक्सपीरियंस है जी। दूसरा चीज है कि आप काम एक और तरीके से जज कर सकते हैं। आप यहाँ आए इतना देर से मेरे साथ है, अभी आपको पता चला कि मैंने विग लगाया हुआ है, मैंने पैच लगाया हुआ है। आपने भी विग लगाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैंने पैच लगवाया हुआ है। दोस्तों मैं रियली बताना चाहता हूँ कि जब से मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम मैं सर से मिल रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि भाई इनका जो हेयर है ये ओरिजिनल है, लेकिन सर ये अभी बोल रहे हैं कि इनका भी लगा हुआ है। लगा हुआ है बिल्कुल। तो भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इतना सामने से। तो आप तो वीडियो में तो देख ही रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि देखिए जो कहते हैं ना कि जिसको दर्द होता है वही दर्द समझ सकता है सामने वाला का। जी जी। तो क्योंकि मेरा नहीं था बाल तो मैं उस पेन को समझता हूँ और वो इनसिक्योरिटीज को भी समझता हूँ कि नहीं रहने पे कैसा था एज का ज्यादा दिखना और लगा लेने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस वजह से मैं अपने कस्टमर्स का भी पेन को समझता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी काउंसलिंग करके उनको अच्छा पैच उनके अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये बताइए अगर कोई द चैलेंज किंग को सब्सक्राइब करके आता है तो उसको आप क्या ऑफर देने वाले? अभी जैसे 30 अगस्त तक कोई आता है, 30 अगस्त तक कोई आता है आपका व्यूअर सब्सक्राइब करके आपका चैनल को, तो उसको 10,000 या उससे ऊपर का पैच में जो भी पैच या वीक लेगा उसको 10% का फ्लैट डिस्काउंट उसको रहेगा। जी जी बिल्कुल। सो दोस्तों ये डिस्काउंट आपको हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके आते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, डेट भी सर ने बता दिया है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, आइए और मानसून ऑफर का लाभ उठाइए।